tell you how to create the form in MS Word. How to create a form in MS Word? You can create a form in the two ways. First is simple inserting, in which you can insert a table, combo box, date and time, and insert a picture. So just create a table and make this type of form. इसके लिए आपको सबसे पहले एक टेबल इंसर्ट करनी पड़ेगी और इंसर्ट टेबल यू हैव अ सिक्स कॉलम सो सेलेक्ट सिक्स कॉलम एंड वन रो व्हेन यू गेट द टेबल जब आपके पास टेबल आ जाए तो उसमें आप इस तरह से हेडिंग लिख लीजिए और फिर हेडिंग लिख जाने के बाद यहाँ पे सीरियल नंबर नेम सिटी स्टेट डेट ऑफ बर्थ एंड फोटो एक एक्स्ट्रा हो गया इसको आप डिलीट कर सकते डिलीट एंटायर कॉलम अब आपके पास जब ये बन गया तो इसमें आप सिंपल सीरियल नंबर डाल सकते हैं नाम डाल सकते हैं ए बी सी डी कुछ भी सिटी डालने के लिए आपको इंसर्ट करना पड़ेगा कॉम्बो बॉक्स तो डेवलपर में जा करके आप कॉम्बो बॉक्स को इंसर्ट कर लीजिए अब जब कॉम्बो बॉक्स आ जाएगा तो इसके अंदर आप सिटी को डाल सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको डालने के लिए आपको प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा फिर से डालते हैं डेवलपर में जाइए यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स डालिए यहाँ पर चूज एन आइटम जब आया तो यहाँ पर जाकर के इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए जब हम प्रॉपर्टी में जाएंगे डेवलपर में जाइए यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी मिलेगी प्रॉपर्टी में जा करके आप यहाँ पर जनरल में लिख सकते हैं सिटी और ऐड में जा करके आप कॉम्बो बॉक्स बना सकते हैं अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रयागराज ओके कर दिया फिर आप और ऐड कर लीजिए बॉम्बे मुंबई और ऐड कर लेते हैं लखनऊ क्लियर तो इस तरह से आपका कॉम्बो बॉक्स बन जाएगा तो जब आप एंट्री करिएगा तो आपका सेम स्पेलिंग आएगी बार बार मिस्टेक नहीं होगी इसी तरह से यहाँ पर हम एक कॉम्बो बॉक्स और इंसर्ट कर लेंगे डेवलपर में जा करके डिजाइन में जाके कॉम्बो बॉक्स इंसर्ट करेंगे इसके राइट क्लिक करेंगे और डेवलपर में जा करके प्रॉपर्टी में जा करके इसमें स्टेट को इंसर्ट कर लेंगे ऐड करेंगे यहाँ पर मान लीजिए आपने डाला उत्तर प्रदेश तो ओके कर दीजिए आप फिर ऐड करते हैं महाराष्ट्र इस तरह से आप ढेर सारा आप एंटर कर सकते हैं तो आपका दो कॉम्बो बॉक्स बन गया एक आपका बन गया सिटी का एक बन गया आपका मान लीजिए यहाँ पर हमने डाला प्रयागराज तो वो आ जाएगा प्रयागराज यहाँ पे प्रयागराज के साथ उत्तर प्रदेश डाला अब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे डेट तो यहाँ पे डेट एंड टाइम दिया है आप सिंपल कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं जिसमें वो मान लीजिए हमने ये वाला ले लिया ओके करिए अब यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है इसकी देखिए 7/10/2016 है तो यहाँ पर हम 07 0710 / या आप
जब इंसर्ट करते हैं तो उस समय ही आप कर सकते हैं। तो इंसर्ट के साथ आपको डेट एंड टाइम करना पड़ेगा, लेकिन आपको फॉर्मेट जब ये ले लेंगे तो इस तरह से करेंगे, लेकिन डेट एंड टाइम डालेंगे फॉर्मेट। अब यहाँ पर इंसर्ट ऑब्जेक्ट डेट एंड टाइम इंग्लिश वेस्टर्न अपडेटेबल ऑटोमेटिकली ओके। तो जो आप डेट डाल दीजिएगा वो आ जाएगी। अब यहाँ पे इसकी डेट है 07/10 और 2016। तो ये इस तरह से आ गया। आप फोटो डालनी है तो सिंपल दो ढंग से डाल सकते हैं। पहला हम सिंपल, क्योंकि इंसर्ट सीख रहे हैं इसलिए पिक्चर करेंगे। यहाँ पे पिक्चर में फोटो मिलेगी हम लोगों को, हम लोग के डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो डेस्कटॉप पे यहाँ पर इस पिक्चर को हम ले आएंगे। तो ये आपकी सिंपल पिक्चर इंसर्ट होकर फॉर्म बन जाएगा। अब दूसरी लाइन आप लीजिएगा, इसी तरह से दूसरी लाइन में हम एंट्री कर पाएंगे। अब सेकेंड मेथड आपका कि आप मेल मर्ज के थ्रू इसको कर लीजिए। तो मेल मर्ज में जब हम जाएंगे तो हमको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस दो तरह का से हम क्रिएट कर सकते हैं। पहला है एक्सेल में क्रिएट करना, जिसमें हमने फील्ड बनाई फिर सेम, और इसमें डेट डाली, इसका फॉर्मेट सेट किया। यहाँ से जब आप ये वाली फील्ड सेलेक्ट करिएगा, इंसर्ट कर फॉर्मेट राइट क्लिक करिएगा और फॉर्मेट सेल करिएगा, तो आपकी सेल जो है वो फॉर्मेट हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल किया। अब हमने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट किया तो यहाँ पर वही फॉर्मेट आ जाएगा। और डेट हमने डाला, कुछ डेटा आपके लिए बनाया, लेकिन जब पिक्चर के लिए इंफॉर्मेशन हम लेंगे तो हमको उसका पूरा पाथ विथ डबल बैक स्लैश देना पड़ेगा। अगर डबल बैक स्लैश आप नहीं दीजिएगा तो डेटा नहीं एक्सेस करेगा। अब पाथ कैसे लेते हैं इसके लिए हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन चलिए फिर से बता देते हैं। इसके लिए आपको पिक्चर पे जाना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा और प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। जब आप प्रॉपर्टी देखिएगा तो देखिए आपका ये पाथ आ गया। इस पाथ को आप कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी किया और वहां पर जाकर एक्सेल में यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दिया। जब आप पेस्ट कर देते हैं तो ये देखिए सिंगल सारा आता है, जिसको आपको डबल करना है। तो यहाँ पर जा करके डबल बैक स्लैश करेंगे, अब यहाँ पे प्रशांत मौर्य ही आ रहा है तो हम इसको डिलीट करेंगे, बैक स्लैश करेंगे, यहाँ पर जाएंगे जो प्रॉपर्टी में आया है, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे फिर से। अब देखिए यहाँ नाम आ रहा है, इसको कॉपी करिए और जाकर के एक्सेल में हम इसको पेस्ट कर देंगे। कहाँ पेस्ट करेंगे? प्रशांत मौर्य के ऊपर। तो यहाँ पर फिर से कर देते हैं, वो कॉपी नहीं हुआ था तो फिर से चलते हैं वहां पर। प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ से इसको लेंगे, कंट्रोल सी किया, कॉपी करा, यहाँ गए एक्सेल में और यहाँ पर जानवी यादव कर दिया। अब हमको क्या करना है कि जितने भी बैक स्लैश हैं उसको डबल कर देना है। जब हम डबल कर देंगे तो वो
इसको ले लेगा। आपको पता होगा कि एस्केप सीक्वेंस जब हम कहीं यूज करते हैं तो उसके पहले एक बैक स्लैश लगाना पड़ता है। तो इस तरह से आपका ये तीनों डेटा बन गया। तो प्रशांत मौर्य हमने दो बार लिया है तो उसकी जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। दो ही डेटा ले रहे हैं और अब हम इसको सेव कर देंगे। सेम वे से हम मेल मर्ज में डेटा बना सकते हैं। अब मेल मर्ज में डेटा कैसे बनाते हैं, इसलिए यहाँ जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको मेलिंग में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे, लेटर ले लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट रेसिपिएंट करेंगे, यहाँ पर टाइप न्यू लिस्ट करेंगे, यहाँ पर कस्टमाइज कॉलम करेंगे। अब आपको जो जो कॉलम चाहिए वो कॉलम हम ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर कॉलम जो लिया है वो सेलेक्ट रेसिपिएंट यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट लेंगे। हमने जो कॉलम लिया है वो हमने लिया है सीरियल नंबर, नेम, सिटी, स्टेट एंड डेट ऑफ बर्थ एंड फोटो। तो अब एडिट रेसिपिएंट करेंगे। अब देखिए ये हमने ये जो फील्ड्स ली हैं उसमें हमने टाइप किया नाम, सिटी, स्टेट, सीरियल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और फोटो का पाथ, जैसे एक्सेल में किया था। तो हम दो तरह से डेटाबेस बना सकते हैं, चाहे एक्सेल में बना लीजिए, चाहे आप अपने वर्ड के मेल मर्ज में बना लीजिए और उस डेटा को हम यहाँ पर लिंक कर देंगे। अब लिंक कैसे करते हैं, यहाँ पर एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, सेलेक्ट रेसिपिएंट लिस्ट जब करते हैं हम, तो जो फाइल हम बनाते हैं उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब यहाँ आया एडिट रेसिपिएंट हो गया। एडिट रेसिपिएंट के बाद हम करेंगे हाईलाइट मर्ज फील्ड। तो ये देखिए ये सारी फील्ड हमने सेलेक्ट की, हाईलाइट हो जाएगी। अब हमको करना है इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो अब यहाँ पे देखिए हमने वन बाय वन इंसर्ट किया, एक हम करके आपको बता देते हैं। यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड किया, इसको डिलीट करेंगे तब वो होगा। यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड किया, ये आ गया। इसी तरह नेम, सिटी, स्टेट, डेट ऑफ बर्थ और फोटो को कर देंगे। अब जब हम कर देंगे तो इसको प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने पे देखिए आपका वन बाय वन आ जाएगा। तो प्रीव्यू करने से पहले फोटो को हमको कैसे इंसर्ट करते हैं ये देखना है। तो फोटो को इंसर्ट करने के लिए आपको फील्ड में जा करके कंट्रोल प्लस प्लस और F9 दबाना पड़ेगा। जब आप कंट्रोल प्लस प्लस और F9 दबाइएगा तो इस तरह से आपके पास एक कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। जब कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा तो उसके अंदर आपको लिखना है इंक्लूड पिक्चर, और जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज पिक्चर मर्ज नहीं होगी। यहाँ पर फिर लिखेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड, कौन सी फील्ड, फोटो। तो फोटो वाली फील्ड देखिए इस तरह से लिखेंगे इंक्लूड पिक्चर। तो इसके बाद मर्ज फील्ड यहाँ पर ये आगे आ गया है, यहाँ पर कोट्स लगाएंगे, मर्ज फील्ड फोटो करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कोट्स को क्लोज कर देना है, शिफ्ट क्लोज किया। फिर उसके बाद आपको बैक स्लैश स्टार, फिर इसके बाद मर्ज फॉर्मेट बैक स्लैश, मर्ज फॉर्मेट बैक स्लैश डी करना, डी स्मॉल में होगा। तो जब ये करेंगे आप तब आपकी पिक्चर उसमें मर्ज होगी।
जिसके लिए आपको कंट्रोल F9 करना पड़ेगा। जैसे ही आप कंट्रोल F9 करिएगा, देखिए पिक्चर आ गई, तो आपकी पिक्चर इस तरह से फॉर्म में आ जाएगी। और जब आप ढेर सारा डेटा करे रहेंगे तो फिनिश मर्ज फील करके आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करके ऑल कर दीजिएगा, तो जितनी फील्ड्स होगी वो सब बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने फॉर्म को बना सकते हैं, और इस तरह से आप आई कार्ड भी बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर, फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन। थैंक यू।